हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया शूटर बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक बोतल का कैप ले लिया है। मैंने इसको बोतल से काटा है, ये आप गरम चक्कू की मदद से भी काट सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक बलून लेना है और बलून को आपको बीच से काट लेना है सीजर की मदद से। सीजर से फटाफट काट लेना है। सीजर से काटने के बाद दोस्तों आपको इसको कैप के ऊपर लगा लेना है। इसको लगाने में दोस्तों थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, पर ये बहुत जल्दी से लग जाता है। फिर जब ये लग जाएगा तो बहुत मजबूती से लग जाएगा, फिर ये निकलेगा नहीं। तो दोस्तों चलो, इसको फटाफट से लगा दिया है हम लोगों ने। अब हम इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा देते हैं। बहुत ही मजबूती से हम लोग को इसके ऊपर ब्लैक टेप लगाना है। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक टेप लगा दिया है। काफ़ी मजबूती से मैंने इस ब्लैक टेप को इसके ऊपर लगाया है। इसके निकलने के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितनी स्पीड से इसके जो स्टिक है वो कितनी स्पीड से निकल रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपनी भी स्टिक लगा सकते हैं। आप टूथपिक या पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको शूट करने में। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं एक बॉटल रखने जा रहा हूँ। बॉटल को रखते हैं, बढ़िया तरीके से इसको शूट करके देखते हैं कितनी स्पीड से ये शूट हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये काफ़ी तेज़ी से शूट हो रहा है। और आप भी ऐसा शूटर घर पे बैठ के बना सकते हैं 1 रुपये के बलून से और 0 रुपये के कैप से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।